Hello everyone, lights, camera, action. I welcome you to the full history revision of two chapters. Let me quickly pull up the PPT. Aaj Gandhi Jayanti hai. Bilkul na bhule, sab log, hai ki nahi? So, sabse pehle to I wish all of you a very happy Gandhi Jayanti. Yes, aur ek gana to banta hai Gandhi ji ke swagat mein, hai ki nahi? Yes. अब गांधी जी के बारे में बताने वाले गाने में क्या बात है. पद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे. दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तार गए. ओके सो वंदे मातरम, जय हिंद एवरीवन. जो भी लोग मेरे साथ चैट्स में हैं लाइव, चलो एक बार जय हिंद लिख के भेज दो ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती. चलो फटाफट भेज दो सो दैट आई कैन कंटिन्यू द लेक्चर. हाय प्रिया, हाय सुशांत, हाय काव्यांगना, हेलो बच्चा, हाउ आर यू, नाइस टू सी यू ऑल. ऑलराइट, तो ये होने वाला है फुल रिविजन आज का. डोंट फॉरगेट दैट. एंड आई एम हार्दिक खिराडिया. I have been teaching since February 2010, so this is my 11th year in the field of teaching. और मैं 9th, 10th, 11th, 12th, CA और CS के बच्चों को पढ़ाता हूँ. ऑल राइटी, मैं 7th क्लास को भी पढ़ाता हूँ. मैं यहाँ पर लिखना रह गया. Yes, I teach the lower grades also. और अब क्या होने वाला है, हम क्या पढ़ने वाले हैं. जो first chapter है आप देख सकते हो यहाँ पर, the rise of nationalism in Europe. Europe क्या है? Europe is a continent जहाँ पे कितने कंट्रीज है. यूरोप में 44 कंट्रीज है. एम आई राइट? परफेक्टो. यस. और यूरोप में जो कंट्रीज है उसमें से फ्रांस भी एक आता है, बिल्कुल आता है. और फ्रांस में जो हुआ था, याद है लास्ट ईयर पढ़ा था क्लास 9 में, याद है कि नहीं? यस. 14 जुलाई 1789 को जो रेवोल्यूशन हुआ था, द आउटब्रेक, ओके, देन उसी दिन द फोर्ट्रेस प्रिजन ऑफ बैस्टिल वाज स्टॉर्म्ड, तोड़ दिया था पूरे के पूरे प्रिजन को, है कि नहीं? यस. और फिर नेपोलियन आ गए. तो ये जो फ्रांस में जो आंदोलन हुआ, आपको नहीं लगता कि उसका बाकी देशों पे भी असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा. क्यों पड़ेगा मालूम है क्या? क्योंकि मेटर्निच एक किंग है, इन्होंने कहा था, जो आगे मैं दिखाऊंगा, उनका असली फोटो भी दिखाऊंगा आपको मैं. मेटर्निच ये जो किंग है, उन्होंने कहा था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड. यानी कि फ्रांस में जो होता है ना, वो पूरे यूरोप पे असर करता है. बिल्कुल. हाय सैफ, गुड आफ्टरनून, वेलकम. हाय प्रिया कुमारी, वेलकम. इफ यू आर विथ मी लाइव, अरे हाय हेलो तो लिख के भेज दो यार. ओके, अब आगे सुनो. तो नेपोलियन आ गए राज करने के लिए. तो नेपोलियन ने कुछ अच्छी बातें भी लाई. नेपोलियन एक राजा थे, बराबर, एम्परर, जो राजा से भी थोड़े बड़े होते हैं, उनका ओहदा, उनका पोस्ट, उनकी पदवी. तो उन्होंने ना राजाशाही में नहीं होता है ऐसे कुछ रूल्स लाए. यस, अगर राजा है तो राजा पूरा कंट्रोल खुद के हाथ में रखेंगे, तो वो तो उन्होंने रखा है. बट राजा चाहेंगे कि सारे अमीर लोगों को सहूलतें मिलती रहे, गरीब लोग अमीरों की सेवा करते रहे, ऐसा ही सिस्टम था ना. याद है कि नहीं, लास्ट ईयर पढ़ा था 9th क्लास में, ओल्ड रिजीम जो सिस्टम था, जो कि राजाशाही था, राइट, मोनार्की, किंग लुई द 16th. सो ऐसा ही होता ना राजाशाही में. लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है. नेपोलियन के राज में नेपोलियनिक कोड, यानी कि क्या, एक सेट ऑफ रूल्स है, इसको सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहा गया. सिविल यानी के सिटीजन्स के लिए. ओके, हाय साहिल, आई एम एब्सोल्युटली फाइन. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. इफ यू आर ऑल देयर,
कम ऑन, टेल मी येस और नो, डिड यू अंडरस्टैंड टिल हियर एवरीवन? बताओ तो सही, समझा ना यहां तक? अब देखो, नेपोलियन के राज में बचपन से किसी को कोई प्रिविलेजेस नहीं. पहले होता था ना कि जो क्लर्जी थे, चर्च वाले थे, उनको सेवा मिलेगी गरीबों से. तो अब नेपोलियन के राज में वो बंद. दूसरा, नेपोलियन के राज में देयर इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि राजाशाही में यूजुअली नहीं होता, है कि नहीं? बिल्कुल. अब हो ये रहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी वॉज ऑल्सो सिक्योर्ड, यानी कि पहले के ज़माने में खाली जो अमीर लोग होते थे उनको ही प्रॉपर्टी खरीदने का हक होता था. लेकिन ऐसा नहीं अब. नेपोलियन के राज में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं. बिल्कुल सही कहा मैंने, यस. आप लोग सुन रहे हो ना सब लोग? थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ. सो आई होप यहाँ तक क्लियर है नेपोलियन के. अच्छा, ये चैप्टर क्या है? हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पूरे यूरोप में कैसे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कैसे यूरोप में देशभक्ति बढ़ी, बराबर कि नहीं? वेरी गुड. अब देखते हैं, और देखते हैं आगे क्या होगा. हम लोग थोड़ा सा जर्मनी का भी बात करेंगे, हम लोग थोड़ा सा इटली का भी बात करेंगे, फ्रांस के बारे में मेन बात करेंगे, क्योंकि फ्रांस बहुत इंपॉर्टेंट है जर्मनी में, है ना? और फ्रांस की आर्मीज ने इतनी सारी जगहों पे आक्रमण कर दिया, तो अब इनको लगता था कि फ्रांस का जो सिस्टम है नेपोलियनिक कोड, वो उन सारी जगहों पे भी जाएगा और उनको राजाशाही से थोड़ा सा छुटकारा मिल जाएगा. क्योंकि आई होप आपको याद हो कि नेपोलियन के राज में कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली है जो राजाशाही में नहीं थी. तो जो जो जगह पे नेपोलियन ने कब्जा किया वो जगह पे भी लोग खुश थे, उनको लगता था बहुत अच्छी बात है क्योंकि फ्रेंच आर्मीज आ गई है, तो अब नेपोलियनिक कोड हमारे यहाँ पे भी लागू होगा, नेपोलियन यहाँ पे रूल करेंगे. तो नेपोलियन का जो सिविल कोड ऑफ 1804 है वो रूल्स हमारे लिए भी होंगे और हमें यहाँ के जो क्रूर राजा है, तकलीफ देने वाले राजा है, उनसे छुटकारा मिलेगा और हमारा भला होगा. बराबर, समझ में आ रहा है कि नहीं सब लोगों को? तो पहले तो वो ऊपर के आदमी की तरह खुश थे, बाद में जब उनको पता चला कि नेपोलियन का जो नया सिस्टम है मैनेजमेंट का, उससे कोई फ्रीडम की गारंटी नहीं है. उसका मतलब ये नहीं होता कि पॉलिटिकल फ्रीडम मिल गई, वो जो चाहे वैसा कर सकते, उनको लोकतंत्र मिल गया, ऐसा नहीं. थी तो राजाशाही ना नेपोलियन के राज में भी, बट थोड़े से कुछ अच्छे रूल्स थे. तो अब हुआ क्या, देखो, जहाँ चाहे भी नेपोलियन की आर्मीज गई, फ्रेंच आर्मीज गई, वहाँ पे टैक्स बढ़ा दिया, वहाँ पे सेंसरशिप था, यानी कि कोई भी राजा के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाएंगे. अगर राजा के खिलाफ बोलेंगे तो मर गए, उनको सजा होगी. वो कानूनी जुर्म था, क्योंकि कानून कौन था? राजा ही तो कानून था, है कि नहीं? एब्सोल्युटली राइट साहिल. हाय शांभवी, वेलकम टू माय क्लास बच्चा. और थर्ड पॉइंट का मतलब सेंसरशिप, समझा कि नहीं? खुल के बोलना नॉट अलाउड. अगर राजा कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको गलत बोलना नॉट अलाउड, न्यूज़पेपर्स में छापना नॉट अलाउड, राजा के खिलाफ कुछ भी, भले फिर वो सही क्यों ना हो. बराबर, तो ऐसे करते करते कहानी और आगे बढ़ा और लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती भी करवाया गया. कहाँ पे? आर्मी में. अरे, नेपोलियन को अब पूरा यूरोप जीतने की इच्छा थी और यूरोप के कई सारे जगहों पे नेपोलियन ने कब्जा कर भी लिया था. फाइनली नेपोलियन को किसने हराया मैं बताऊंगा, रुको जरा, सब्र तो करो. आई एम गोइंग टू टेल यू नेपोलियन को किसने हराया फाइनली. और नेपोलियन अकेले धमाल, अनस्टॉपेबल था बिल्कुल. और नेपोलियन को आर्मी तो चाहिए रहेगी ना, तो आर्मी कहाँ से आएंगी? अरे, जो देश में जाके कब्जा करेंगे उन्हीं देश के लोगों को अपनी आर्मी में भर्ती कर लो. समझ में आ रहा है ना? तो ये तो लोगों को अच्छा नहीं लगता था, जो गरीब लोग थे उनको ही आर्मी में भर्ती करवाया जाता था, तो गलत हुआ. तो देखो, टैक्स बढ़ रहा है, खुल के बोल नहीं सकते गलत चीज़ के खिलाफ, लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती करवाया जा रहा है, तो क्या हो रहा है? गलत हो रहा है ना? तो पहले लोग, अभी समझ में आ रहा है कि पहले लोग खुश क्यों थे और बाद में लोग दुखी क्यों हो गए? समझ में आ रहा है क्या? Yes. प्रिया, सेंसरशिप इज आप खुल के बोल नहीं सकते. मोनार्की मतलब राजाशाही, बिल्कुल अलग है. कुछ मतलब कुछ एक्चुअली कनेक्शन ही नहीं है दोनों वर्ड्स में, समझ में. और हाँ, राजाशाही में हमेशा सेंसरशिप होता है ताकि लोगों को सच पता ना चले. अगर लोग असलियत बताएंगे राजा की सबको, तो रेवोल्यूशन होगा.
समझ में आ रहा है? यस ओके प्रिया, आई होप आपको समझ गया। और अब लोग खुश क्यों नहीं थे, आपको समझ में आ गया। और ट्रेडर्स की बात करें तो ट्रेड में भी प्रॉब्लम था। अब मान लो अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो अगर यहां से मैं अभी मुंबई में रहता हूं, ठीक है, मुंबई से अगर मैं कहीं नॉर्थ में कुछ पहुंचाना चाहता हूं 600 किलोमीटर तक, या मुंबई से मैं साउथ में कुछ गुड्स पहुंचाना चाहता हूं 600 किलोमीटर के आसपास, और अगर बीच में 11 जगहों पे मुझे टैक्स भरना पड़े तो तकलीफ होगी कि नहीं? क्योंकि नेपोलियन ने जो इलाके कब्जा किए थे वो हर एक को एक स्टेट नाम देते, तो हर एक स्टेट का अपना अलग करेंसी, हर एक स्टेट का अपना अलग नापतोल है। तो देखो ना, फ्रैंकफर्ट स्टेट में एल इज अ मेजरमेंट ऑफ क्लॉथ, ओके, एब्सोल्युटली राइट साहिल, सो एल इज अ मेजरमेंट ऑफ क्लॉथ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं एक लीटर, तो हिंदुस्तान में सब जगह पे, इनफैक्ट पूरे दुनिया में सब जगह पे एक लीटर मतलब 1000 ml ही होता है, बराबर। अब मैं बोलूं मुंबई में एक लीटर मतलब 920 ml, और आप जहां पे रहते हो वहां पे एक लीटर मतलब 980 ml, और कहीं और 920 ml, कहीं और 850 ml, तो कंफ्यूजन होगा कि नहीं बिजनेस ओनर्स को, कैसे कर पाएंगे बिजनेस, है कि नहीं? अगर हर एक जगह का अपना अलग मापतोल है और वो जगह के ट्रेडर्स के साथ आपको बिजनेस करना है तो कितना कंफ्यूजन होगा। तो पहले तो ये नापतोल का कंफ्यूजन, दूसरा हर जगह पे टैक्स भरना पड़ता था, हर स्टेट में एंट्री किया टैक्स भरो, जैसे वो टोल नाका होता है ना, टोल प्लाजा होता है वैसा। एब्सोल्युटली राइट साहिल, सो दैट पीपल कैन नॉट स्पीक द ट्रूथ अगेंस्ट द मोनार्क। सो ये समझ में आ रहा है क्या? ट्रेडर्स की भी प्रॉब्लम्स थी, तो ये ऐसी शक्ल हो जाएगी ना जैसे ये कैरेक्टर की हुई क्या है कि नहीं। अब फाइनली ये 1833 तक वो प्रॉब्लम्स थी, 1834 में एक यूनियन बना दिया गया। अब कैसा हो गया ना, ये सारे प्रॉब्लम्स निकाल दिए। अब अलग अलग जगह पे टोल भरना नॉट रिक्वायर्ड, यस जेठालाल ओपी, एंड अलग अलग जगहों पे अलग अलग मेजरमेंट भी नहीं। अब वो मेजरमेंट्स भी स्ट्रीमलाइन होने लगे, और पहले 32 करेंसीज थी। सोचो, पागल नहीं हो जाओगे क्या? मुंबई के लिए अलग करेंसी, मतलब महाराष्ट्र के लिए अलग करेंसी, बिहार के लिए अलग करेंसी, राजस्थान के लिए अलग करेंसी, कर्नाटक के लिए अलग करेंसी, तमिलनाडु के लिए अलग करेंसी, पागल नहीं हो जाओगे? ऐसा था वो टाइम पे। फाइनली वो सब निकल गया, अब सिर्फ दो करेंसीज है, और वेट्स एंड मेजरमेंट्स भी स्ट्रीमलाइन होने लगे। तो जो भी प्रॉब्लम्स थे ट्रेड रिलेटेड, वो जॉल्वरिंग करके कस्टम्स यूनियन बनाया गया, जैसे एम्प्लॉयज का ट्रेड यूनियन होता है ना वैसा, ओके। तो ये ट्रेड की प्रॉब्लम फाइनली सॉल्व हुई। अब नेपोलियन को किसने हराया था? नेपोलियन को हराया था ये कंजर्वेटिव किंग्स ने। नेपोलियन को चार कंट्रीज ने मिलकर हराया था, ये चारों साथ में आ गए। कौन? इसको आपको याद रखना है, रैप बाबा, RAPB, रैप बाबा, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रशा एंड ब्रिटेन। ऐसे प्रशा ऐसे प्रोनाउंस करते हैं उसको, प्रशिया नहीं बोलते हम लोग। ओ साहिल, दैट्स बैड। समझ में आ रही है कहानी यहां तक कि नहीं? समझ में आ रही है ना कहानी? यस। तो अब क्या हो गया, ट्रीटी ऑफ वियना हो गया। वियना एक जगह है जहां पे ये चारों ने मिलके जो नेपोलियन को डिफीट किया था ना 1815 में। अब आपको नहीं लगता कि ये बंटवारा करेंगे, क्योंकि नेपोलियन ने बहुत सारे इलाके पे कब्जा कर लिया था यूरोप में, तो अब वो सारा इनके कब्जे में आ जाएगा, ये चारों के कब्जे में। तो ये चारों मिले हैं डिस्कस करने के लिए कि कौन सा वाला इलाका कौन सा देश लेगा। समझ में आ रहा है क्या? ताकि आपस में झगड़ा ना हो यूरोप के लिए। समझ में आ रहा है ना? ब्रिटेन, रशिया, प्रशा एंड ऑस्ट्रिया, ये चारों कंट्रीज ने मिलके नेपोलियन को हराया था। और अब ये लोग फैसला कर रहे हैं कि नेपोलियन ने जो यूरोप में बहुत सारी जगहों पे जीत हासिल की थी वो कैसे डिवाइड करेंगे आपस में चारों। करेक्ट। और ये जो चारों देश के लोग थे, राजा थे, वो तो कंजर्वेटिव मेंटालिटी वाले थे। आई होप आपको कंजर्वेटिव याद हो। कंजर्वेटिव आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा हुआ है, याद है क्या? लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स, सोशलिस्ट्स, जो रशियन रेवोल्यूशन वाला चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा हुआ है। तो अब ये चारों ने
बोला कि नहीं 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 फ्रांस में तो राजाशाही ही होगी वापस, और डायनेस्टी वाली राजाशाही, यानी कि राजा का बेटा राजा बनेगा, जैसे किंग लुई द 16th के टाइम पे थी वैसी। समझ में आ रहा है? नहीं, टेक्निकल गेमर भानु आज मेंटी नहीं होगा। हाय नैतिक, वेलकम टू माय क्लास। आप लोग यार प्लस पे कभी आने वाले हो मुझे नहीं पता। और अब क्या लगता है आपको, गरीब लोगों की तकलीफ थी कि नहीं थी? अब ये राजाशाही वापस आ जाने से गरीबों को तकलीफ थी या नहीं थी? कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द चैट्स। गरीबों को तकलीफ थी या नहीं थी? कम ऑन, टेल मी। यस, बिल्कुल तकलीफ थी। आपको लगता है कि नहीं फ्रांस में अभी 1815 में? अच्छा ये कौन है, ये मेरे बाजू में उस तरफ वो कोने में दिख रहे हो, कौन है? इज लुई द 18th, अरे लुई 16th के पोते। यस बिल्कुल, समझ में आ रहा है ना। हाय नैतिक, बिल्कुल थी तकलीफ। यस, तो अब ये तकलीफ कौन दूर करेगा? ये तकलीफ दूर करेंगे क्रांतिकारी लोग, यानी के भगत सिंह जी जैसे लोग। लेकिन ये रेवोल्यूशनरीज भी ना ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, क्यों? क्योंकि ये वायलेंस करते थे ना, ये मारामारी करते थे, और इनको या तो राजा जेल में बंद कर देते थे, या तो मार देते थे सजा के तौर पे, या तो इनको एग्जाइल में भेज देते, इनको बोलते थे आप देश से निकल जाओ, क्योंकि ये लोग रहेंगे ना तो राजाशाही पे खतरा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और माजीनी, यस लुई द 18th, यस इट्स ओके भानु, नो वरीज, पोता इज सो क्यूट बट हिज एक्शंस आर नॉट वेरी क्यूट। पोता डिड नॉट एक्चुअली बेनिफिट द पीपल। और अब माजीनी, देखो ध्यान से सुनना, ये लास्ट पॉइंट दिख रहा है ना, मेटर्निच ने कहा था, थोड़ा सा मेरे पीछे ढक गया है पॉइंट, बट मैं एक्चुअल में पूरा आपको फोटो दिखाऊंगा मेटर्निच का। ही वॉज द ड्यूक ऑफ ऑस्ट्रिया। उन्होंने बोला था कि GM, यानी कि क्या, ये ऊपर आप देख रहे हो ना जिनको फोटो, Giuseppe Mazzini, बोल के देखो बहुत मजा आएगा, इनके नाम में ही मजा है, Giuseppe Mazzini, जब बोल के मजा आएगा, बोल के देखना मेरे साथ। सो इन्होंने क्या किया मालूम है? इन्होंने आंदोलन किया, लेकिन 1831 में इनको भेज दिया गया। कहां से? ये इटली के हैं, ठीक है, तो इनको जो 1831 से भेज दिया गया था, बाद में आएंगे हम लोग उस पर भी। तो ये ऐसे लोग खतरनाक थे ना। क्या आपको क्यों लगता है ब्रिटिशर्स ने क्यों भगत सिंह को फांसी दे दी? क्योंकि भगत सिंह होता तो शायद आजादी और जल्दी मिलती, और ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी लोग जिंदा रहे, क्योंकि वो लोगों में पावर था सपोर्ट लेने का, मासेस का सपोर्ट लेने का। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस, ऐसे क्रांतिकारी लोगों को लाखों लोग सपोर्ट करेंगे देश के। और अब क्या हो गया? अब जुलाई 1830 क्या होने वाला है, ध्यान से देखना। जुलाई 1830 क्या हुआ, जो 1815 से 1830 तक लुई द 18th रूल कर रहे थे, बराबर ना, 1815 में वो चारों कंट्रीज ने ही इनको बिठाया वहां पे, ताकि वो चारों कंट्री भी इन अ वे इनडायरेक्टली फ्रांस को चला सके, फ्रांस उनके कंट्रोल में रहेगा। समझ में आ रहा है ना? यस, हैप्पी गांधी जयंती नैतिक आपको भी। और अब क्या हो रहा है, अब क्या होने वाला है? अब लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने, यानी कि माजीनी जैसे लोगों ने और दूसरे देशभक्त लोगों ने जो गरीब लोग थे, उन्होंने लुई द 18th मेरे ऊपर जो ना, उनको बोला भागो इधर से, क्योंकि आप राजा का फर्ज तो पूरा कर नहीं रहे, अभी भी देश में खाने पीने का प्रॉब्लम है, लोगों के पास काम नहीं है, तो काहे के राजा आप, निकलो, हम ऐसे राजा लाएंगे जो देश की जनता का भला करे। समझ में आ रहा है कि नहीं? और अब कौन है, अब 1830 में कौन आए किंग? सुनो, 1850 वापस एक बार बता रहा हूं, ये जो है ना मेरे ऊपर, 1815 से 1830 तक ये थे राजा फ्रांस के। अब कौन बने राजा 1830 में, ये जो यहां पे खड़े हुए दिख रहे हैं ना वहां पे? यस, लुई फिलिप, याद रहेगा आपको, सबको याद रहेगा एकदम, बिल्कुल। अब देखो 1830 में इन्होंने आने के बाद कुछ फायदा किया क्या, देखते हैं, बताता हूं मैं, चलो बताऊंगा मैं। ये है मेटर्निच, और ये मेटर्निच ने कहा था, When France sneezes, the rest of Europe catches cold. Okay? Clear है?
यस। और ये जो आंदोलन करते थे लोग, अच्छा सॉरी मैंने ये वाला एक बार समझा देता हूं क्योंकि मुझे वो दिखाना था पहले, इसलिए मैंने स्लाइड आगे कर दिया था। रेवोल्यूशनरीज जो क्या करते थे, आंदोलन करते थे वायलेंस के थ्रू, बराबर। तो इन्होंने कुछ कभी कोशिश की, बट आपको क्या लगता है कि हमेशा वायलेंस के थ्रू ही देशभक्ति दिखाई जा सकती है? हाय शिवी, हाउ आर यू बच्चा, हाय भानु, आपको क्या लगता है हमेशा देशभक्ति वॉर या वायलेंस करके ही दिखाई जा सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए हमने लाया रोमांटिसिज्म। अरे कोई रोमांस रोमांस मतलब मत समझ लेना इसका बच्चे लोग। रोमांटिसिज्म का मतलब क्या होता है, रोमांटिसिज्म का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ कल्चरल मूवमेंट। अरे सॉरी स्लाइड आगे हो गया, गलती से मिसक्लिक हो गया मुझसे। तो रोमांटिसिज्म का मतलब क्या होता है, अरे देशभक्ति के गाने, देशभक्ति वाले प्लेज, देशभक्ति वाले पोस्टर्स बनाना, लोगों में देशभक्ति की भावना जगाना थ्रू आर्ट, थ्रू डांसेस, थ्रू पोएट्रीज, थ्रू सॉन्ग्स, समझ में आ रहा है क्या, थ्रू पेंटिंग्स। तो ये भी एक चीज होता था कि अब लोगों में देशभक्ति जगाने की जरूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि गरीबों की तकलीफ तो वही की वही है ना, बिल्कुल। और अब देखो आगे क्या हुआ, जो 1848 में सेम प्रॉब्लम हुआ जो 1789 में था। आपको याद है फ्रांस में 1789 में आंदोलन क्यों हुआ था? इट वॉज बिकॉज ऑफ सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अरे सर्वाइवल का प्रॉब्लम था यार, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं था, कमाने के लिए कोई तरीका नहीं था, इनकम घट रही थी या थी ही नहीं, और खाने पीने के भाव आसमान पे छू रहे थे, तो कैसे गुजारा होगा? तो लोग आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे यार, है ना। तो 1848 में बस थ्रोबैक टू 1789 हो गया। तो अब जो राजा को लोग ही चुन के लाए थे, लुई फिलिप को, वो भी कुछ ज्यादा कर नहीं पाए, क्योंकि आई होप यू रिमेंबर 1830 में लुई फिलिप आए थे और वो राजा को तो लोगों ने ही चुन के लाया था, और अब 1848 में वो राजा को भी निकाल दिया, लोगों ने बोला है निकलो आप भी इधर से, इनको जो लोग ही खुद इनको राजा बना के लाए थे, इनको बोला आप निकलो इधर से, क्योंकि आप भी बाकी राजाओं की तरह ही हो, आपने हमारे बेसिक सर्वाइवल के बारे में भी नहीं सोचा, और हमको तकलीफ उतनी की उतनी है, शायद बढ़ गई है। आए विशेष, ऑल राइट शिवी, नोटेड दैट, ओके। अब फ्रांस में जो हुआ क्यों हुआ, आपको सबको मालूम है, हंगर, हार्डशिप, फूड शॉर्टेजेस थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, तो कैसे गुजारा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। और अब वापस रिपब्लिक सिस्टम आ गया, जैसे कि जेकबिन क्लब के टाइम पे आया था, करेक्ट। एंड अब ऑल मैन अबाउट 21 ईयर्स ऑफ एज वर अलाउड टू वोट, एंड एवरीबडी वॉज गारंटीड द राइट टू वर्क, एंड जॉब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, जॉब वर्कशॉप्स वर सेटअप। तो अब थोड़ा थोड़ा चेंजेस आने लगा 1848 में, और 1845 में भी वीवर्स ने प्रोटेस्ट किया था। हुआ वीवर्स जो कपड़ा बुनते हैं, वीवर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स ने बहुत गलत किया वीवर्स के साथ, पैसा बहुत कम कर दिया उनका जो इनकम था, और वीवर्स जब पूछने गए और पीसफुल प्रोटेस्ट करने गए कॉन्ट्रैक्टर्स को कि आपने ऐसा क्यों किया, हम बहुत गरीब लोग हैं ऑलरेडी, हमको पगार कम पड़ रही है, और उसमें भी आपने और बहुत ज़्यादा कम कर दी पगार, तो कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया मालूम है क्या, कॉन्ट्रैक्टर्स ने गोली मरवा दी, कॉन्ट्रैक्टर सोल्जर्स को लेके आए और गोली मरवा दी, 11 वीवर्स मर गए। कितनी गलत बात है यार, वो वीवर्स बस अपना हक मांगने जा रहे थे, और कोई अपना हक मांग रहा है और तुम उनको ऐसा मार देते हो। ये भी गलत हुआ है कि नहीं। और अब फ्रांस की बारे में बात कर रहे थे हम लोग, अब जर्मनी इटली में भी इसी तरह से हो रहा था काम। तो ऐसा माना जाता था कि देशभक्ति दिखाने के लिए हमको वॉर करना पड़ेगा और दूसरे कंट्रीज को जीत लो,
वही असली देशभक्ति है। दूसरे कंट्रीज को हरा दो, क्या ये देशभक्ति होती है? इज दैट नेशनलिज्म? नो, दैट इज कॉल्ड इंपीरियलिज्म, फाइटिंग वॉर्स एंड ट्राइंग टू विन अदर कंट्रीज एंड मेक योर कंट्रीज एरिया लार्जर, दैट इज कॉल्ड इंपीरियलिज्म, वॉर्स और वायलेंस करना। तो क्या ये सही था, क्या गलत था? बिल्कुल गलत था। समझ में आ रहा है क्या? यस शिवी, प्रॉबेबली यस, बिल्कुल गलत था। और इसीलिए फ्रेडरिक सोरू ने अपनी चार प्रिंट्स बनाई थी, इसमें यूटोपियन सोसाइटी दिखाया है कि सब लोग पीसफुली रह रहे हैं, सब लोगों को भगवान का डर है, जीसस का डर है कि नहीं, ऑल मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन आर इक्वल। ऐसा इसीलिए आपके चैप्टर में सबसे स्टार्टिंग में दिया है फ्रेडरिक सोरू के चार प्रिंट्स। लेकिन आप आई होप आपको उसका मतलब अब समझ में आया रहेगा, क्योंकि सब जगह पे, जर्मनी में भी वायलेंस हो रहा था, इसी तरह से इटली में भी वायलेंस हो रहा था देशभक्ति दिखाने के लिए। उसको असली में देशभक्ति नहीं बोलते हम, राइट? परफेक्टो। अब यहां से सीधा हम लोग घुसते हैं सेकंड चैप्टर में, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड नहीं, एक्चुअली फोर्थ चैप्टर, व्हिच इज नेशनलिज्म इन इंडिया। कैन आई से ब्रिटेन को यही तीन चीजें थी जो उसकी सोच थी, यस और नो? चलो मुझे जल्दी बताओ, सीधा फर्स्ट चैप्टर। अब हम लोग देशभक्ति असली में क्या होता है मैं समझता हूं, चलो मैं आपको समझाऊंगा, चलो आ जाओ बताओ मुझे। बिल्कुल सही कहा, यस और नो? हाय विजय सिंह, तो क्या आपको हमारे बारे में पढ़ना है क्या? हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में पढ़ाऊं क्या थोड़ा सा? बोलो, नैतिक आप मेरे साथ मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम आईडी पे कनेक्टेड नहीं हो क्या? आप टेलीग्राम पे कनेक्टेड हो कि नहीं? यस, परफेक्ट। आए पाहुल, हाँ तो टेलीग्राम पे मैं भेजते रहता हूं। ये क्या था मालूम है क्या? ब्रिटेन इतनी हद तक गिर गया था कि ब्रिटेन ने इस तरह के लेबल्स बना के इंडिया में उसके गुड्स बेचना चालू किया था। ब्रिटेन गुड्स, गुड्स मेड इन ब्रिटेन बट सोल्ड इन इंडिया इन सच पैकेजिंग एंड वाया सच लेबल्स। क्यों मालूम है क्या? इंडिया में लोग है ना अनपढ़ थे वो टाइम पे। ये मैं कब की बात कर रहा हूँ? ये मैं 1800, लेट 1800s एंड अर्ली 1900s की बात कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि? अब वो टाइम पे तो लोग अनपढ़ थे, तो लोग ये समझते थे कि क्योंकि इसमें देवी देवताओं के फोटो है तो ये तो हिंदुस्तान में ही बना होगा, तो चलो हम यही खरीदते हैं। कितने नीच हो गए थे ब्रिटेन के लोग और अंधे बन गए थे, देश को भी लूट रहे थे, हमारी संस्कृति को लूट के लेके गए, है कि नहीं? दीज आर द लेबल्स ऑन ब्रिटिश गुड्स, बराबर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हो गया था। अब खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या होता है, समझो मेरी बात। सी, ब्रिटेन भी वॉर में लड़ रहा है, राइट? एंड इंडिया ब्रिटेन के कब्जे में है, ब्रिटेन ने इंडिया पे जबरदस्ती कब्जा करके रखा है, तो ब्रिटेन को पैसा चाहिए रहेगा कि नहीं वॉर के लिए? बिल्कुल। ब्रिटेन को लोग चाहिए रहेंगे कि नहीं सोल्जर्स के फॉर्म में वॉर के लिए? बिल्कुल। तो कहां से आएगा? इंडिया एक बहुत बड़ा सोर्स था पैसे और लोगों के लिए, बराबर कि नहीं? तो इसके लिए ब्रिटेन ने टैक्स बढ़ा दिया था, इंडिया का नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया था जिसका नाम है इनकम टैक्स, बराबर? बिल्कुल। और जो गांव के लोग थे उनको जबरदस्ती ब्रिटेन अपनी आर्मी में भर्ती करवा रहा था, बराबर? तो अब सही था कि गलत था? बिल्कुल गलत था। तो अब गांधी जी आ गए साउथ अफ्रीका से वापस 1915 में, और आए और सीधा यहाँ पे सत्याग्रह से आक्रमण चालू किया। पीसफुल प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। आक्रमण से मेरा मतलब है पीसफुल सत्याग्रह, बराबर? यस। और अब क्या हो गया? गांधी जी ने सत्याग्रह लॉन्च कर दिया। और क्यों लॉन्च किया? कि भाई इंडिया से क्यों पैसा लेके जा रहा है ब्रिटेन, रॉ मटेरियल्स लेके जा रहा है इंडिया से, और वहां पे बने गुड्स इंडिया में बेच रहा है कि नहीं?
क्रॉप बिल्कुल नैतिक क्रॉप फेलियर भी हो गया था, इन्फ्लुएंजा डिजीज भी हो गया था, लेकिन ब्रिटेन को अपना टैक्स चाहिए। ब्रिटेन बेशर्म की तरह अपना टैक्स मांग रहा है, बिल्कुल इंसानियत नहीं ब्रिटेन के लोगों में उस टाइम पे, ओके? और सत्याग्रह मतलब क्या, सत्य का आग्रह, आप सामने वाले को यानी कि जिसने गलत किया है आप उसको सच का एहसास दिलाते रहो, एक दिन तो उसको सच के बारे में ज़रूर एहसास होगा और उसको अपने गलत काम पे पछतावा होगा और उसको अपना गलत काम बंद करने में हेल्प मिलेगा, राइट एवरीवन? बिल्कुल। तो जब वो आए इंडिया में वापस तो उन्होंने सत्याग्रह लॉन्च कर दिया, ओके? और 1919 में ब्रिटिश ने रूलेट एक्ट नाम का एक कानून पास कर दिया था। सी, ब्रिटेन ने बहुत सारे कानून इंडिया में लगाए थे जो ब्रिटेन को फायदा करते हैं, इंडिया की बर्बादी करेंगे वो, बराबर? ऐसा ही एक कानून था ये रूलेट एक्ट। ये कानून के अंतर्गत, ये कानून के द्वारा ब्रिटेन को हक मिलता है कि वो आंदोलन करने वाले कोई भी पॉलिटिकल इंसान को जेल में बंद करके रख सकते हैं 2 साल तक, कोर्ट में पेश किए बिना, सजा दिए बिना, है कि नहीं? नीरज, समझा रहा हूं इन शॉर्ट ही? एब्सोल्यूटली राइट नैतिक, यस, 2 years इन जेल वर अलाउड। एंड ये अच्छा कानून था कि बुरा कानून था? बिल्कुल बुरा कानून था। तो ये कानून जब प्रपोज हुआ ना, ये कानून बना उसके पहले इसका बिल प्रपोज होता है, तभी इंडियंस ने तो उसका आंदोलन करना चालू किया कि ये कानून लाना मत हिंदुस्तान में, ये कानून तो बहुत बुरा कानून है, बराबर है ना? तो अब हुआ ये कि कानून बना दिया ब्रिटिशर्स ने फटाफट जबरदस्ती से, और ये कानून का बहुत गलत इस्तेमाल भी किया, मैं बताऊंगा आपको कैसे इस्तेमाल किया। 10th अप्रैल 1990 को पीसफुली कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पे गोलियां चला दी यही कानून का इस्तेमाल करते हुए, समझ में आ रहा है क्या? ओके प्रिंस, आई विल चेक दैट, यस दैट्स करेक्ट नैतिक। सो क्योंकि ये कानून में लिखा था कि हम पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टॉप कर देंगे, रिप्रेस का मतलब क्या होता है? स्टॉप। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस। और अब हो ये रहा है कि 13th अप्रैल 1919 को क्या हुआ मालूम है आप लोगों को? 13th अप्रैल 1919 को क्या हुआ? कैन यू टेल मी क्या हुआ था 13th अप्रैल 1919 को? किस चीज का फोटो है ये, टेल मी? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, जलियांवाला बाग का फोटो है। एंड कितनी गलत बात है कि जनरल डायर ने मासूम निहत्ते लोगों पे फायरिंग करवाई, कितनी गलत बात है। अब गांधी जी को लगा कि मुझे हिंदू और मुस्लिम्स को साथ में लाना पड़ेगा, तो वो लाए भी। मुस्लिम्स ऑलरेडी एक खिलाफत मूवमेंट कर रहे थे, ओके? तो खिलाफत मूवमेंट जो मुस्लिम्स कर रहे थे और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी लाना चाहते थे, तो इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता। तो अब हो गया नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। ब्रिटिशर्स इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते अगर हम इंडियंस उनका साथ नहीं देते तो, है कि नहीं? तो ब्रिटिश रूल, यू द वे सी, मेरे ऊपर यू लिखा है, यू आर सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स, योर टीचर्स, योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड सो मेनी। इन द सेम वे ब्रिटिशर्स वर सक्सेसफुल ओनली बिकॉज ऑफ इंडियंस। अरे ब्रिटिशर्स ने जो रेलवेज बनाया था उसमें इंडियंस काम करते थे, ब्रिटिशर्स के जो कोर्ट्स थे इंडिया में वहाँ पर भी इंडियंस काम करते थे, ब्रिटिशर्स की जो पुलिस थी उसमें भी तो इंडियन लोग थे। अरे ये जो फोटो आपने देखा ना अभी, इसमें अगर आप देखोगे तो मेरे यहाँ पे लाइन में दिखेगा ना जो सोल्जर्स हैं जो गोली मार रहे हैं, और सामने की तरफ दिखेगा ना कि कुछ लोग मर भी गए हैं, आगे दिख रहा है क्या? तो ये लोग कौन थे? सोल्जर्स भी तो इंडियंस थे यार, समझ में आ रहा है ना कि नहीं? बिल्कुल।
तो गांधी जी को लगा कि अभी लोगों में ना गुस्सा बहुत है, ये गुस्से को यूज करके एक मूवमेंट के द्वारा चैनलाइज किया जाए. और डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई नॉन कोऑपरेशन में मैंने यू और ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा है? क्योंकि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते आपके पेरेंट्स के बिना, आपके टीचर्स के बिना, आपके जो जेन्यूनली सपोर्ट करने वाले फ्रेंड्स हैं उनके बिना. ऐसे ब्रिटिश रूल सक्सीड नहीं हो सकता इंडिया में इंडियंस के कोऑपरेशन के बिना. इसके लिए अब से कोऑपरेशन बन, इसके लिए इसको बोला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. और खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन कर दिया. बिल्कुल. एंड अलग अलग जगह पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अलग अलग तरीके से देखा गया. अब देखो, अगर मैं शहरों की बात करूं तो शहर में जो लोग रहते थे उन्होंने जो ब्रिटिश गुड्स थे उनको जला के, उनको बॉयकॉट करके, उनका बहिष्कार करके ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर अपना सपोर्ट जाहिर किया. यस, नैतिक देवर द अली ब्रदर्स. क्लियर है ना? बिल्कुल. तो अब देखो और क्या होने वाला है आगे. और कहां कहां पे? आंध्र प्रदेश में भी हुआ, यूपी में भी हुआ प्रोटेस्ट, आसाम में भी हुआ. पहले यूपी की बात कर लेते हैं. अवध एक जगह है यूपी में. यहाँ पे जो सामने फोटो दिख रहा है ना मेरे ऑपोजिट डायगनल वाले कॉर्नर पे, ये फोटो है बाबा रामचंद्र का. ओके, और जो गरीब फार्मर्स थे वो फार्मर्स को ना जमींदार बहुत परेशान करते थे. जमींदार वो गरीब फार्मर्स से अनाज लूट के लेके जाते थे, उनको ज़बरदस्ती फ्री में काम करवाते थे अपने पास. तो ये जो गरीब लोग थे वो बहुत तकलीफ में थे. तो ये गरीब लोगों ने सोचा कि नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट चालू हो गया है, चलो ये मूवमेंट में हमारा भी सपोर्ट दिया जाए और हम ज़मींदार लोगों की पिटाई करते हैं, इनको असली मज़ा चखाते हैं कि तकलीफ सहन करवाते, जितनी तकलीफ ये लोग हमको देते हैं थोड़ा सा इनको भी झलक दिखाते हैं. यस, तो ये समझ में आया आप लोगों को? तो बहुत वायलेंस हुआ यहां पे. और अभी आगे देखो, अभी आंध्र प्रदेश में जो ट्राइबल पेजेंट्स थे, यानी कि जो जंगलों में रहने वाले लोग थे, ट्राइबल पेजेंट्स यानी कि एक तरह से आदिवासी लोग, तो ये आदिवासी लोग है ना, इनका तो घर ही जंगल है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया इनको जंगल में एंट्री मारने से. ब्रिटिशर्स ने बोला कि नहीं, जंगल में जाना नॉट अलाउड. तो ये आदिवासी लोग जो जंगल में रहते हैं, ये तो जंगल में से ही अपना खाना लेते हैं और जंगल में ही रहते हैं, इनको अपने घर में नॉट अलाउड, तो ये लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे. यस, अल्लूरी सीताराम राजू, एब्सोल्युटली राइट. नैतिक, हाय नीरज. नहीं बच्चा, आज क्विज नहीं है, आज गांधी जयंती स्पेशल है. ओके, तो वो जो है ना अल्लूरी सीताराम राजू, वो बोले कि नहीं नहीं पीस से कुछ नहीं होता है, हम तो वायलेंस ही यूज करेंगे. तो उन्होंने अपने साथ वाले लोगों को भी बोला कि वायलेंस यूज करो. ये काफी इन्फ्लुएंशियल इंसान है, ये ऐसे बोलते थे कि इनके पास पावर्स है, ये गोली भी, किसी ने बंदूक से गोली मारी तो ये गोली भी पकड़ सकते, ऐसे ये दावा करते थे बहुत सारे. तो जब ये आदिवासी लोगों को जाने नहीं दिया तो इन्होंने ना ब्रिटिशर्स पे छुप के वार किया, उसी तरह गिरिला वॉरफेयर, जैसे कि तान्हा जी मूवी में दिखाया था कि छुप के वो पहाड़ियों में कैसे छुप गए थे, फिर दुश्मन के आने का इंतजार किया, जैसे दुश्मन दिखा धड़ाम से अटैक. तो इसको ना छापा मार युद्ध बोलते थे. यानी कि क्यों क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि ब्रिटिश के पास बहुत सारे सोल्जर्स थे, सिपाही थे, सिपॉय बोलते थे उसको लोग, है ना? तो ब्रिटिशर्स के बहुत सारे सोल्जर्स थे और ये लोग थोड़े ही थे नंबर्स में, तो ये लोग इस तरह छापा मार तरीके से अटैक करते थे. समझ में आया क्या? तो यहां पर भी वायलेंस हुआ बहुत सारा, आपको समझा ना, शहर में भी वायलेंस हुआ, उत्तर प्रदेश में भी वायलेंस हुआ और यहां पे आंध्र प्रदेश में भी वायलेंस हुआ. बस इसी तरह का वायलेंस आसाम में भी हुआ. आसाम में जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, जो काम करते थे आसाम के चाय के बागानों में, तो वो लोगों को अपने घर नहीं जाने दिया जाता था. ऐसा कानून बनाया था ब्रिटिशर्स ने. ब्रिटिशर्स ने कितने सारे ऐसे कानून बनाए थे
तो जब वो जाने के लिए भाग गए अंडर द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, तो ब्रिटिशर्स ने उनको पकड़ के ढूंढ निकाला, क्योंकि वो लोग आगे जा नहीं पाए क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है। तो इंडियंस ने रेलवेज में काम करना बंद कर दिया, इंडियंस ने शिप में काम करना बंद कर दिया, हड़ताल पे आ गए सब लोग। तो ये लोग आगे जा ही नहीं पाए, स्टेशन तक जाके अटक गए बेचारे। तो फिर ब्रिटिशर्स ने इनको पकड़ के लाया और बहुत मार पिटाई की इनकी। क्या गांधी जी वायलेंस चाहते थे? बिल्कुल नहीं। इसके लिए नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बंद कर दिया गया, ये आंदोलन रोक दिया गया, क्योंकि गांधी जी ने बोला कि यूपी में जिस तरह का वायलेंस हुआ, आंध्र प्रदेश में जिस तरह का वायलेंस हुआ, आसाम में जिस तरह का वायलेंस हुआ, शहरों में जिस तरह का वायलेंस हुआ, मैंने ऐसा नहीं बताया था आंदोलन करने को, मैंने सत्याग्रह सिखाया, ऐसा गांधी जी ने बोला। तो अब गांधी जी ने वापस वायलेंट तरीका साइड में रख के, क्योंकि वो कभी यूज नहीं करते थे वायलेंस, तो उन्होंने एक लेटर लिखा पीसफुल तरीके से कि अरविन, वो टाइम पे वाइसरॉय अरविन थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पे थे, और इनको लेटर लिखा, 11 डिमांड्स रखी, उसमें से एक डिमांड थी कि सॉल्ट टैक्स हटा दो। अरे वो टाइम पे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को नमक बनाना और बेचना इल्लीगल था। सोचो हमारे ही देश में हमको नमक बनाना और बेचना गैर कानूनी है, सोचो कितनी हद तक गिर गए थे ना ब्रिटिशर्स वो टाइम पे। पावर ने अंधा बना दिया था, यस बिल्कुल, सॉल्ट टैक्स था है कि नहीं, बिल्कुल। तो अब आगे देखो कहानी कैसे आगे बढ़ता है। आपको लगता है अरविन मानेगा 11 डिमांड्स? अरे 11 क्या, एक भी नहीं मानी। गांधी जी ने टाइम दे दिया था अल्टीमेट, गांधी जी ने लेटर लिखा था 31 जनवरी 1930 को, 11 मार्च तक का टाइम दिया था, बराबर, तो लगभग 40-41 दिन होते हैं। गांधी जी ने बोला कि ये डेट तक तुम हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे, हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे। और अरविन ने माना नहीं तो गांधी जी ने डांडी मार्च चालू कर दिया, और गांधी जी ने सबका सपोर्ट गैदर करने के लिए, सबको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में शामिल करने के लिए ये दांडी मार्च चालू किया। ये रियल पिक्चर्स है वो टाइम के। अगर आपको सच्ची में अच्छा लगता है तो डोंट फॉरगेट टू जॉइन प्लस ऑन एन अकेडमी, ऑल राइट। एक और पिक्चर दिखाता हूं, ये देखो, है ना, रियल पिक्चर्स वो टाइम के, यस। और अब क्या होने वाला है, कहां से कहां तक क्या होने में, क्या ये जो आप देख सकते हो ना स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट, इट इज अबाउट 387 किलोमीटर्स, एंड ही वॉक्ड फॉर टोटल ऑफ 24 डेज, एंड फाइनली ही रीच्ड दांडी ऑन द 6th of April 1930। And 6th of April 1930 was the beginning of the civil disobedience movement. समझ में आ रहा है क्या? नैतिक obviously वो टाइम पे photographers तो थे ना, उनके साथ जो आंदोलन कर रहे थे उन्होंने ही लिए होंगे pictures obviously. मैं तो था नहीं इतना बुड्ढा, मैं तो था नहीं कि 1930 में मैं जिंदा होता, है कि नहीं नैतिक? And what is civil disobedience movement? मुझे बहुत सारे students पूछते हैं कि सर हमको ना non cooperation movement और civil disobedience movement में confusion होती है, तो लो confusion दूर कर देता हूँ। अरे civil disobedience movement मतलब कुछ नहीं, non cooperation movement से एक step आगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes Isha, of course there were cameras at that time, we are talking about the 1930s. तो आपको समझ में आया क्या? बिल्कुल समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। चलो तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या होने वाला था कि एक तो ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट करना बंद कर दो, और ब्रिटिशर्स ने जो कानून बनाए हैं हिंदुस्तान की बर्बादी के लिए और ब्रिटिश वाले लोगों की आबादी के लिए, आजादी नहीं, करेक्ट, सो जो कानून हिंदुस्तान की बर्बादी के लिए ब्रिटिश लोगों ने बनाए थे, और ये कानून से इंडिया का नुकसान होगा और उनका फायदा होगा, ये कानून फॉलो मत करो। जैसे कि सॉल्ट एक्ट जो उन्होंने तोड़ा, तो उन्होंने खुद वो सॉल्ट एक्ट तोड़ के दूसरों
बाकी हिंदुस्तानियों को भी बोला कि आप भी कानून तोड़ो, वो कानून जो ब्रिटिशर्स ने बनाए हैं, क्योंकि उससे इंडिया की बर्बादी हो रही है, तो वो कानून मत फॉलो करो। समझ में आ रहा है सबको? बिल्कुल। चलो आगे बढ़ाते कहानी को। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू हो गया। अब आपको नहीं लगता कि लाखों लोग जब आ गए रस्ते पे तो ब्रिटिशर्स डर जाएंगे? यस ऑर नो? आपको नहीं लगता अब लाखों लोग अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो ब्रिटिशर्स डर जाएंगे? बराबर। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो लीडर्स थे ना उनको जेल में बंद करना चालू कर दिया। अब्दुल गफर खान, इनको बच्चा खान भी बोलते थे, इनको जेल में बंद कर दिया। लाखों लोग आ गए प्रोटेस्ट में। और उसके बाद जब गांधी जी को जेल में बंद कर दिया तो लाखों लोग और आ गए प्रोटेस्ट में। समझ में आ रहा है क्या? और लोगों ने तोड़फोड़ करनी चालू कर दी। जो जो भी ब्रिटिश सिंबल का प्रतीक था, जो जो भी ब्रिटिश की ऑफिसेस थी, ब्रिटिशर्स की स्कूल्स थे, म्यूनिसिपैलिटी थी, पुलिस स्टेशन थे, कोर्ट्स थे, रेलवे थे, वो सब तोड़फोड़ करना चालू कर दिया लोगों ने। और आपको याद होगा तो रूलेट एक्ट तो था ही, तो ब्रिटिशर्स के पास कानून था कि जो भी लोग पॉलिटिकल आंदोलन कर रहे उनको पकड़ के जेल में बंद कर दो 2 साल के लिए। क्या गांधी जी को चाहिए था ऐसा हो? नहीं हो, बिल्कुल नहीं चाहिए था। और 1 लाख से ज्यादा लोगों को ब्रिटिशर्स ने जेल में बंद कर दिया। समझ में आ रहा है क्या? 1 लाख से ज्यादा लोग अरेस्ट हो गए। अब गांधी जी को मजबूरी में अरविंद को बोलना पड़ा कि चलो इन लोगों को छोड़ो। अरविंद ने बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आपको हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी। तो गांधी, ये अब्दुल गफर खान मेरे ऊपर दिख रहा है ना, ये रियल फोटो है ओके उनका, जिनको बच्चा खान भी बोलते थे, ये गांधी जी को अपना गुरु मानते थे, गांधी जी के बहुत बड़े भक्त थे, चेले थे, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, है ना? यस। और अब देखो, अब जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया ना, क्योंकि आज गांधी जयंती है ना, तो अब इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते कहानी के। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया ना, अब लोग ये समझ लो, अगर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है और ये इंडियंस थे, अब जब ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को अरेस्ट किया, और नेशनलिज्म सबसे बड़ा था वो टाइम पे, लोगों में देशभक्ति की भावना उमड़ उमड़ के आ रही थी। समझ में आ रहा है क्या? करेक्ट। ये फनी पिक्चर के थ्रू एक मीम बन गया यहां पे, है ना? हाय पुलकित, दैट्स एब्सोल्युटली नॉट फेयर। तो देशभक्ति की भावना वो टाइम पे लोगों के दिल में सबसे बड़ी थी, एंड दैट इज बैड फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके लिए गांधी जी ने अरविंद को बोला कि आप ये सबको छोड़ दो, ये लाखों लोगों को छोड़ दो, जो बिल्कुल भी वायलेंस नहीं कर रहे थे, जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको आपने जेल में बंद किया, उनको छोड़ दो। अरविंद ने बोला कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आओ हमारे साथ। अरविंद की चाल थी, मालूम है ये अरविंद की चाल थी, कि गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाएंगे। और समझाता हूं मैं, रुको ना। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों थी, जो कि लंदन में थी? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसके लिए थी ताकि हिंदुस्तान की आजादी के बारे में डिस्कशन किया जा सके। सोचो, हमारे देश में आके पहले तो बर्बाद कर दिया हमको, और अब हमको आजादी देने के लिए डिस्कशन करेंगे वो हमारे साथ, वाह। और ये हुई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थैंक यू ईशा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अब ऐसा हो रहा है कि डिस्कशन चल रहा है, लेकिन डिस्कशन में से कुछ एक्चुअली काम की बात निकल के आ नहीं पाई। हिंदुस्तान की आजादी के बारे में फाइनल फैसला नहीं लिया गया। क्यों? आई टेल यू। दिस डिस्कशन फेल्ड, दिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इट फेल्ड। आई टेल यू वाई, डोंट वरी। गुड आफ्टरनून ज्योति। और जब गांधी जी लंदन से वापस आए ना, तो अब्दुल गफर खान और नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इनको जेल में बंद कर दिया गया था, कांग्रेस पार्टी को इलीगल घोषित कर दिया गया था। तो ये 2 तरह की चाल थी मालूम है ब्रिटिशर्स की। एक तो हिंदुस्तान में अगर गांधी जी नहीं होंगे तो जो सपोर्ट गांधी जी गैदर कर पाते ना, वो नहीं हो पाएगा। और इसके लिए ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया में आसान हो जाएगा लोगों को डराना धमकाना, ओके? पहली बात। दूसरी बात, ब्रिटिशर्स को डिवाइड एंड रूल करना था, इसके लिए तो गांधी जी को बुलाया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों फेल हुआ मालूम है आपको? क्योंकि अरे हिंदुस्तानी ही आपस में भिड़ गए,
दलित और मुस्लिम्स गांधी जी से अग्री नहीं कर पाए, क्योंकि दलित और मुस्लिम्स बोलते थे जो गांधी जी की मांगे हैं वो हमारी मांगे नहीं है, हमारी मांगे थोड़ी सी अलग है, तो हम क्यों कांग्रेस की मांग में हाँ में हाँ मिलाए। तो ब्रिटिशर्स को यही तो चाहिए था, फूट डालना, डिवाइड एंड रूल करना। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस मुस्कान, आई विल कीप, डोंट वरी। नैतिक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो डिस्कशन था जो लंदन में हुआ था, ओके नैतिक? व्हाट इज राउंड टेबल? वो राउंड टेबल लिटरली यू कैन से राउंड टेबल, एंड इट वॉज अ कॉन्फ्रेंस, यानी कि डिस्कशन होने वाला था हिंदुस्तान की आजादी के लिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्योंकि अंबेडकर जी, बी आर अंबेडकर जी, वो चाहते थे कि हमारा अलग से दलित का एक हमारा अलग स्टेट हो, या तो हमारे रिजर्वेशंस होने चाहिए, और मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि मुस्लिम्स के लिए रिजर्वेशंस होने चाहिए। तो कभी इंडिया यूनाइट हो नहीं पाया। गांधी जी का ये बोलना था कि अगर मैं इनकी अलग अलग मांगों के लिए हाँ बोल दूँ तो इंडिया कभी यूनाइट नहीं हो, हिंदुस्तान टूट जाएगा, हिंदुस्तान अखंड नहीं रह पाएगा, राइट? दलित तो याद है ना, आप लोगों ने लगान मूवी देखी होगी, उसमें ये जो अनटचेबल, याद है ना, हरिजन, अनटचेबल, अछूत, याद है ना आपको? ये याद है कि नहीं मूवी? परफेक्ट, तो बिल्कुल याद है कि नहीं, बताओ मुझे। चलो याद है, बस इनके लिए लड़ते थे बी आर अंबेडकर, तो गांधी जी इनके खिलाफ नहीं थे, ओके? तो अब आपको नहीं लगता कि लोगों में देशभक्ति की भावना उमड़ उमड़ के आएगी? यस और नो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग? के अब कोई कहीं से भी हो, चाहे कोई आंध्र प्रदेश से हो, कोई उत्तर प्रदेश से हो, कोई आसाम से हो, कोई कहीं से भी हो, सबको एक ही चीज चाहिए था कि ब्रिटिशर्स को भगाओ इंडिया से। तो अब साथ में आएगी कि नहीं सबकी सोच? तो लोग है ना अपने आप को एक छोटे से जगह से नहीं मानते थे, अब लोग अपने आप को पूरे हिंदुस्तान से मानने लगे थे, और भारत माता बन गया था। भारत माता किसने बनाया था, याद है आपको? भारत माता की जो इमेज थी वो किसने बनाई थी? ये है वो इमेज, वो बनाई थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अरे रविंद्रनाथ नहीं, अवनींद्रनाथ टैगोर, ओके? और वंदे मातरम लिखा गया था, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम, जो आज हम गाते हैं ना, है कि नहीं? वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम, है कि नहीं? नहीं नैतिक, ऐसा कुछ नहीं था। तो अब लोगों में ना देशभक्ति की भावना उमड़ उमड़ के आ रही है, समझ में आ रहा है क्या? और अब है ना लोगों के, सबको अभी का जो न्यू फ्लैग है वो तो मालूम ही है, मैं आपको ओल्ड फ्लैग दिखाता हूं। ये ना इंडिया का ओल्ड फ्लैग है, दिख रहा है इसमें, ये जो मेरे बाजू में जो चांद जैसा है ना, क्रिसेंट मून, ये था मुस्लिम्स का सिंबल, और उसके बाजू में उस तरफ जो सन जैसा सिंबल है वो था हिंदूज का सिंबल, जो सनातन धर्म बोलते हैं जिसको, और ऊपर ये जो एट फ्लावर्स दिख रहे हैं आपको, वो ब्रिटिशर्स ने इजीली रूल कर सके इसके लिए इंडिया को 8 प्रोविंसेस में डिवाइड किया हुआ था, और वो 8 जगह पे ब्रिटिश कंट्रोल किया हुआ था, इसके लिए वो 8 फ्लावर्स टू सिंबलाइज द 8 प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश। समझ में आ रहा है क्या? थैंक यू ईशा। क्या आपको समझ में आए दोनों चैप्टर्स, यस और नो? क्या आपको समझ में आए दोनों चैप्टर्स, बताओ मुझे। चलो डू यू अंडरस्टैंड? अरे न्यू फ्लैग तो मालूम है कि नहीं? किसी ने न्यू फ्लैग का बैकग्राउंड ऑब्जर्व किया क्या? मैंने ये जब पूरा चैप्टर समझाया आपको, उसमें मैंने बैकग्राउंड अपने तिरंगा का लिया हुआ है, क्या आपने किसी ने नोट किया? अभी भी जो आप देख सकते हो बैकग्राउंड, वो तिरंगे का बैकग्राउंड है। हाय शांतनु, जय हिंद बच्चा।
हाय दीपेश, जय हिंद बच्चा। डू यू वॉन्ट टू लर्न ऑल द चैप्टर्स ऑफ, मैं हिस्ट्री नहीं बोलता, मैं हाई स्टोरी बोलता हूं, मैं इस तरह पढ़ाता हूं। डिड यू अंडरस्टैंड ऑल द चैप्टर्स? डू यू वॉन्ट टू लर्न फुल सोशल साइंस फ्रॉम मी? यस, करेक्ट। 12 तारीख से एक बैच स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है? 12 तारीख, इसी महीने की 10 दिन बाद। तो फटाफट ना प्लस पे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 12 तारीख से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। ओके, ओह थैंक यू नैतिक। और बैच के लिए क्या करना है आपको, ये अनअकैडमी प्लस पे, अगर आपको सच्ची में लगता है कि पूरा पोर्शन मेरे साथ पढ़ के बहुत मजा आएगा, खाली हिस्ट्री नहीं, मैं पूरा सोशल साइंस पढ़ाता हूं, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स भी हिस्ट्री के अलावा, तो आप बताओ मुझे, चलो पूरा पोर्शन पढ़ोगे मेरे साथ, मजा आएगा बिल्कुल। तो ये है प्लस। प्लस में ना आपको स्पेशल बैचेस, स्पेशल बैच का मतलब क्या, न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? कब से स्टार्ट हो रहा है न्यू बैच? चलो बताओ मुझे जल्दी, हाउ कैन वी डू दैट? ओके, चलो मैं प्रोसीजर समझा देता हूं प्लस ज्वाइन करने का। ईशा, दिस इज द प्रोसीजर टू ज्वाइन प्लस। प्लीज मेक श्योर दैट व्हेन यू टेक एडमिशन ऑन प्लस, प्लस इज नथिंग बट टेकिंग एडमिशन विद अन अकेडमी, एंड ट्रस्ट मी द फी इज वेरी रीजनेबल। लेट मी शो यू द फी स्ट्रक्चर ऑल्सो। तो अगर आप इस तरह कैलकुलेट करते हो, कहाँ गया, यस, तो अगर आप इस तरह कैलकुलेट करते हो तो फी आएगा बहुत ही कम। ऑलराइट, तो अगर आप वन ईयर के लिए ज्वाइन करते हो तो इट इज गोइंग टू बी अबाउट 37 रुपीज पर डे। अरे 37 रुपीज पर डे कैसे, समझाऊं क्या? कर लो कैलकुलेशन। अगर मैं वन ईयर की बात करूं तो वन ईयर का फी है 15,000, बट नहीं, आपको पूरा 15,000 पे नहीं करना है, आपको यूज करना है मेरा रेफरल कोड HK Live। जैसे आप मेरा रेफरल कोड यूज करोगे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट, दिख रहा है कि नहीं? यस, और 13,500 हो गया अमाउंट, 15,000 माइनस 10% यानी कि 1,500, तो 13,500 डिवाइड बाय 365 करो तो लेस देन 37 रुपीज पर डे आ रहा है कि नहीं? और अगर आप 6 मंथ से उससे ज्यादा के लिए एडमिशन लेते हो तो आपके पास EMI का भी ऑप्शन अवेलेबल है। और अगर आप क्लास 10th में हो, आपके भाई या बहन क्लास 10th, क्लास 11th या 12th में या 9th में है, तो आप फी क्लास 7, इनफैक्ट आप क्लास 7 के लिए एडमिशन लेते हो, अगर क्लास 6 के लिए एडमिशन लेते हो अगर, तो आपको 7, 8, 9, 10, 11, 12 फ्री मिलता है। समझ में आ रहा है क्या? Yes. तो आई डोंट थिंक इससे रीजनेबल फी में, इससे अच्छा क्वालिटी आपको कहीं और मिलेगा टीचर्स का, एजुकेशन का, है कि नहीं? तो हैव यू टेकन अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस? दिस इज द प्रोसीजर टू जॉइन प्लस। ओके इशू, सॉरी ईशा गोयल, हैव यू टेकन अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस? शांतनु, दीपेश, मुस्कान, नैतिक, हु ऑल आर देयर, हैव यू टेकन अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस? बताओ मुझे। यस, EMI ऑल्सो अवेलेबल, तो ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। पंडित जी को बुलाओ क्या मुहूर्त निकलवाने के लिए, स्क्रीनशॉट के लिए? एंड व्हेन यू टेक फॉर मोर देन 6 मंथ्स, सी EMI फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल। आपको ऐसे देखो दिखेगा 10% ऑफ, मेरा कोड यूज करोगे ना तो सीधा आपको दिखेगा 10% ऑफ। ओके, समझ में आ रहा है क्या? दिख रहा है ना? यस, और आपके पास EMI का भी ऑप्शन अवेलेबल है। देखो मैं दिखा देता हूं एक बार, देखो EMI का ऑप्शन दिख रहा है यहां पे। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी भर सकते हो, आप जीपे, फोन पे, पेटीएम से भी भर सकते हो, एंड आप नेट बैंकिंग से भी भर सकते हो। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो वेरी गुड, क्विकली ज्वाइन प्लस, आई विल सी यू इन माय प्लस। हैव यू टेकन स्क्रीनशॉट? बिकॉज मैं 10 काउंट करके लेक्चर एंड करने वाला हूं। ओके, तो ले लो स्क्रीनशॉट। चलो आई विल काउंट 10 एंड देन आई विल से बाय बाय एंड देन आई विल एंड द क्लास। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग
एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी. अनअकैडमी आप डाउनलोड कर लो. मैंने अनअकैडमी पे भी बहुत सारे फ्री के लेक्चर्स लिए हुए हैं जो आप जाके देख सकते हो. ओके, तो डाउनलोड करो अनअकैडमी. ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ दिख रहा है, वहां पे मुझे फॉलो कर दो अनअकैडमी पे. जैसे मुझे फॉलो करोगे वहां पे सारे फ्री लेक्चर्स आप देख पाओगे. और ये है मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल. कुछ लोग पूछ रहे थे मेरा टेलीग्राम के बारे में. दिस इज माई ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल फॉर प्लस. चलो नाउ आई विल काउंट डाउन 10 और 10 काउंट करूं तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लेना. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो. बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर. आई विल सी यू सून इन माई प्लस क्लासेस. बाय बाय, टेक केयर. जय हिंद. गांधी जयंती आप सबको मुबारक हो. बाय बाय.